चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन हेल्प यू। कैसा हम अच्छे लोग सारे। आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है हर बार की तरह। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा खास, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोर्स के बारे में। जी हाँ, आज का डिस्कशन होने वाला है A to Z, पूरा डिस्कशन आज के वीडियो में होगा BJMC कोर्स के बारे में। जी हाँ, जिन बच्चों को भी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन फील्ड में अपना कैरियर बनाना है तो वो 12th के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में ऐसा खास बात क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस कितनी लगती है और ये कोर्स करने के बाद कौन कौन से एरिया हैं जहां पर वर्क कर सकते हैं, इनिशियल सैलरी क्या रहेगी, पढ़ाया क्या जाता है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, A to Z सब कुछ आज के वीडियो में हम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन फील्ड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई फर्दर डिले करते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करूंगा, कोर्स के नेम से मैं स्टार्ट करूंगा। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसका एब्रिविएशन है BJMC। हो रहा है बच्चों क्लियर? जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, अगर आपको बहुत ही ज्यादा पैशन है एंकरिंग का, राइट, डिबेट करने का, राइट, सबके सामने पब्लिक स्पीकिंग करने का, राइट, आपको न्यूज एंकर बहुत पसंद है, आपको टीवी के एंकर्स जो टीवी होस्ट होते हैं वो बहुत पसंद है, या फिर हो सकता है आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, राइटिंग इन द सेंस है आप क्रिएटिव एक राइटर हो, राइट, आपकी कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी हो, तो ये कई स्किल्स हैं जो अगर आप में हैं तो आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के थ्रू एक राइटर बन सकते हैं, एक एक्टर बन सकते हैं, टीवी प्रोडक्शन लाइन में जा सकते हैं, मीडिया लाइन में भी आप एंट्री कर सकते हैं। यस और नो? पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, कोर्स का लेवल है अंडर ग्रेजुएट, दैट मींस 12th के बाद ये आप कोर्स करेंगे तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की एक वैलिड डिग्री कोर्स है, राइट, ये कोई डिप्लोमा, ये कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है। अगर आप BJMC का 3 साल का ये कोर्स कर लेंगे तो आपके पास एक वैलिड डिग्री होगी, जैसे एक BCom डिग्री होती है, BSc डिग्री होती है, BA डिग्री होती है, वैसे आपके पास एक BJMC की डिग्री आ जाएगी जैसे आप ये कोर्स को फिनिश करेंगे। ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया आपको 3 साल का ये हमारा अंडर ग्रेजुएट UG प्रोग्राम होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन बच्चे इस कोर्स को, कौन स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं, तो यहां पर 10+2 आपकी होनी जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, स्ट्रीम मैटर नहीं करती है। BJMC कोर्स एक आर्ट्स का, एक साइंस का और एक कॉमर्स का बच्चा, तीनों में से आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। कहां तक क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन? चलिए, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली आजकल या आज के टाइम में ज्यादातर कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही आपको एडमिशन देते हैं, और कई चुनिंदा कॉलेज ऐसे भी हैं जो आपकी 12th में बहुत अच्छी अगर परसेंटेज है तो उसके बेसिस पर भी आपको एडमिशन दे देते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, एवरेज कोर्स फीस की बात करें तो पर ईयर की बात कर लेते हैं, 3 साल का ये कोर्स है, कई कॉलेजेस बहुत ही अफोर्डेबल फीस लेते हैं, बहुत ही कम लेते हैं, 30,000 के नियर अबाउट, और कई कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, नियर अबाउट 2 लाख पर ईयर भी आपकी फीस चार्ज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहेगी, देखिए डिपेंड करता है कितने अच्छे कॉलेजेस से आप कर रहे हैं, कई कॉलेजेस फाइनल ईयर से पहले ही आपका प्लेसमेंट कर देते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया बात है, नियर अबाउट 1.5 लाख से लेकर 6 लाख पर एनम आपका सैलरी पैकेज इनिशियल वे में बन सकता है। जैसे जैसे आपको अपनी फील्ड की समझ होगी, एक्सपीरियंस होगा, स्किल इंप्रूव करेंगे तो देन द स्काई इज द लिमिट, आप कितना भी चार्ज कर सकते हैं या कितनी भी सैलरी अर्न कर सकते हैं इस फील्ड में, क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है, इसका क्रेज, इसकी इंपॉर्टेंस आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, सिमिलर स्टडी ऑप्शन, सर हमें ये बैचलर डिग्री का कोर्स नहीं करना है, ये बहुत महंगा है, ये इसके अच्छे कॉलेजेस हमारे मतलब सिटी में अवेलेबल नहीं है, स्टेट में अवेलेबल नहीं है, तो इससे कोई मिलता जुलता कोर्स है या नहीं, देखिए इससे मिलते जुलते बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आप BA कर सकते हैं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी होता है, आप वो भी कर सकते हैं।
आप बीएससी भी कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन से, राइट, और बीबीए कर सकते हैं मीडिया मैनेजमेंट या फिर जर्नलिज्म से, या फिर डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। सर, इनको करने में और इस कोर्स को करने में डिफरेंस क्या है? देखिए, एक है मेन कोर्स, मेन कोर्स के अंदर एक फील्ड जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन की, तो ये अंतर इसमें है। ये फुल फ्लेज डेडिकेटेडली एक कोर्स बनाया हुआ है जो कि बिलोंग करता है मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म को। इनमें ये एज अ स्पेशलाइजेशन बीए में, बीकॉम में, बीएससी में और डिप्लोमा कोर्सेज में, या डिप्लोमा में तो नहीं लेकिन जितने भी अदर डिग्री कोर्सेज हैं उसमें एज अ स्पेशलाइजेशन आप चूज कर सकते हो। तो मेरा सजेशन क्या है, अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि सर हमें तो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म लाइन में ही अपना कैरियर बनाना है, हम इसी कैरियर के लिए बने हुए हैं, तो बीजेएमसी कोर्स से बढ़िया कोई कोर्स आपके लिए नहीं हो सकता। अगर डाउटफुल है कि सर हमें बीए भी हो जाए, इसका भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए, तब आप ये कोर्सेज की तरफ रुख कर सकते हैं। ज्यादा क्लियर हो रहा है? डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली बात करें तो हमेशा से हमेशा डिग्री कोर्सेज की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू द डिप्लोमा कोर्सेज। यहां तक बात क्लियर हो रही है? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आते हैं पढ़ाया क्या जाता है, मेन सब्जेक्ट कौन कौन से। देखिए, जैसे आप एडमिशन लेते हैं कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम फॉलो होते हैं, दैट मींस साल में दो बार आपके एग्जामिनेशन होते हैं, एक जून जुलाई में होगा, एक नवंबर दिसंबर में होगा। कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पर एनुअल सिस्टम फॉलो होता है। नियर अबाउट आपको मेन मेन जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं सबकी लिस्ट मैंने यहां पर तैयार कर रखी है, वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सर हमें पूरा सिलेबस का वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से उसके लिए पूरा सिलेबस का, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, राइट। चलिए, पहला जो हमारा सब्जेक्ट है या जो मेजर सब्जेक्ट में पहला है इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म। आपको बताया जाता है कि भैया रिपोर्टिंग क्या होता है, राइटिंग क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, एक जर्नलिस्ट क्या करता है। जर्नलिस्ट, आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं उनको लिखने का काम, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स लिखने का काम एक एडिटर करता है, एक जर्नलिस्ट करता है, और उसके साथ जो टीम होती है, सब एडिटर्स होते हैं, वो करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है क्या, अपनी बात को राइट वे में कैसे कम्युनिकेट करना है टू द अदर पर्सन, उसकी सारी टेक्निकलिटीज आपको बताई जाती है ताकि आप अच्छे कम्युनिकेटर बन पाओ। राइटिंग फॉर मीडिया, मीडिया के लिए लिखना कैसे है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो फिल्मी जगत हो, राइट। चलिए, मीडिया लॉज एंड एथिक्स बताए जाते हैं कि वहां की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। बेसिक्स ऑफ कैमरा, लाइट, साउंड के बारे में आपको बताया जाता है। इन केस अगर आप आज तक जैसे टीवी या एनडीटीवी जैसे टीवी के न्यूज एंकर बन रहे हैं तो कहां पर कैमरा है, कहां पर लाइट है, या फिर आप कोई रियलिटी शो के होस्ट बन रहे हैं, एंकर बन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए लाइट कहां से आ रही है, कहां से आपको खड़ा होना है, कैसे बोलना है, माइक को कैसे पकड़ना है, थ्रो कैसे करना है अपने वॉइस को, ये सारी चीजें टेक्निकलिटीज आपको आनी चाहिए। यस और नो? चलिए, रेडियो जर्नलिज्म, रेडियो, राइट, आप रेडियो फील्ड में भी वर्क कर सकते हैं, एज अ आरजे बन सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं, या उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं रेडियोज के अंदर वहां पर भी आप एज अ एडिटर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर ऐसे वर्क कर सकते हैं। टेलीविजन जर्नलिज्म आपको बताया जाता है, टेलीविजन में अगर आप वर्क करना चाहते हैं। पब्लिक रिलेशंस आपको समझाए जाते हैं, प्लस प्रिंट जर्नलिज्म भी आपको समझाया जाता है, और इंटर्नशिप रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी पड़ती है। दैट सिंपली मींस इंस्टीट्यूट वगैरह का टाइप होता है कई अच्छे अच्छे हाउसेस के साथ या इंडस्ट्रीज के साथ या फिर बिजनेसेस के साथ जो कि प्रिंट में या डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री है, वहां पर आपको वर्क करना पड़ता है, और वहां से आप रिपोर्ट पब्लिश कर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है आपको कॉलेजेस में, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, ये थे टॉप जो हमारे सब्जेक्ट हैं पढ़ाए जाते हैं। अब रुख कर लेते हैं टॉप मोस्ट कॉलेजेस कौन से हैं जिसपे आप बीजेएमसी कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करें, यस और नो? चलिए, देखिए, पहला है लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन जो कि हमारा दिल्ली में है। सेकेंड, एशियन कॉलेज फॉर जर्नलिज्म हमारा चेन्नई में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली में है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन मुंबई। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई। सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन पुणे। एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन दिल्ली।
एंड द लास्ट वन इज जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान, राइट। तो ये कुछ चुनिंदा टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं हर सिटी में, आपके आपके खुद के सिटी में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होंगे जो कि मास कम्युनिकेशन BJMC कोर्सेज को ऑफर कर रहे होंगे। आपको उनकी वैलिडिटी देखनी है, आपको उनका एफिलिएशन देखना है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है, वो AICTE अप्रूव्ड है या नहीं है, वो एक ऑथराइज इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, उसके बेसिस पर आपको एक रेपुटेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है और मेहनत करनी है और बहुत सारे ऑप्शंस है। अच्छा, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, ये जो वीडियो है शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगा मैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कैरियर ऑप्शंस के बारे में। इनकेस 3 साल का है तो 3 साल में आई होप सो आप क्लियर कर लोगे, नहीं तो अगर थोड़े कमजोर भी हो तो 4 साल में तो कर ही लोगे, राइट। तो कभी ना कभी जब भी आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको जॉब करनी पड़ेगी या फिर आपका प्लेसमेंट लगेगा अच्छी जगह। तो आप किन किन जगह प्लेस हो सकते हैं, राइट, आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब में आप वर्क कर सकते हैं, राइट, कैसे वर्क ढूंढना है, कौन कौन से इंडस्ट्री में आप वर्क कर सकते हो, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर BJMC के कैरियर ऑप्शंस के बारे में मैं बात करने वाला हूं पूरा, बच्चों क्लियर। तो ये था आज का वीडियो जहां पर हमने जनरल इंफॉर्मेशन शेयर करी है कि अगर आपको बोलने का इंटरेस्ट है, राइट, सबके सामने एज अ प्रेजेंटर कुछ भी चीज प्रेजेंट करने का शौक है, आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, न्यूज़ एंकर्स को देखना बहुत पसंद है, एंकर्स को देखना बहुत पसंद है मेरी तरह, तो कहीं ना कहीं ये जर्नलिज्म जो फील्ड है, मास कम्युनिकेशन फील्ड है, वो आप बच्चों के लिए हो सकती है। आप इस फील्ड में भी, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग है प्लस एक्साइटिंग भी है, उसमें अपना करियर बना सकते हैं। जो भी आपके डाउट है इस वीडियो से जुड़े या फिर जो भी आपके सजेशन है मेरे वीडियोज़ के लिए, मेरी द वे ऑफ टीचिंग के लिए, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर DM कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा आप ज्वाइन कर लीजिए या ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं तो स्कूल से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन होती है टेलीग्राम ग्रुप में डेली शेयर होती रहती है। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं सारी नॉलेज कैरियर और एजुकेशनल की, जितनी भी दुनिया में या इंडिया में स्पेसिफिक चीज़ें चलती हैं उनके बारे में अवेयर रहना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और जैसे कि बुक्स वगैरह का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेस्ट बुक वहां से दिख जाएगी, मिल जाएगी, वो सारी मेरी ही सजेस्ट करी हुई बुक्स रहेंगी, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।